तो मोस्ट वेलकम। मेरे ने वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई अक्षय कुमार को लेकर, असरद वारसी को लेकर बात करने वाले हैं, उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर क्या चल रहा है वो बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार काफ़ी लंबे समय से एक बड़ी सक्सेस के लिए भाई तरस रहे हैं। अक्षय कुमार की अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, आपको पता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिससे भाई काफ़ी आशा थी अक्षय को, लेकिन ये फिल्म तो डिजास्टर दोस्तों साबित हो गई। और अक्षय कुमार अभी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भाई काम कर रहे हैं। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट जॉली LLB 3, आप सभी जानते हैं कि दोनों जॉली LLB 1 जॉली LLB 2 दोनों फिल्में भाई सक्सेस रही थी। सो अक्षय कुमार को इस फिल्म से भाई काफ़ी आशा थी कि उनकी जो फिल्म है ये काचा अच्छा खासा बिजनेस करेगी, काफ़ी अच्छी फिल्म होगी, लोगों को कंटेंट भी पसंद आया था, कम से कम जुडिशरी पर आधारित फिल्म थी, वो एक यूनिक सब्जेक्ट था। सो इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया दोस्तों, अनाउंसमेंट नहीं, इस फिल्म को लेकर भाई शूटिंग स्टार्ट कर दी गई। और अजमेर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान अजमेर के अंदर इसकी जो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद पंगा हो गया है अजमेर के अंदर। लगभग 100 के आसपास लॉयर्स हैं, वकील हैं, जो भाई इस फिल्म के प्रति काफ़ी गुस्सा हैं, नेगेटिव हैं, और वे कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है जॉली LLB, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी पर अटैक करती है, जुडिशरी की इंसल्ट करती है, जो कोर्ट्स है उसकी इंसल्ट करती हैं, और जो वकील हैं भाई उनकी इंसल्ट करती है। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा जो अजमेर सिविल कोर्ट्स है वहाँ पर एक याचिका डाल दी गई है, जिसकी अभी सुनवाई होने वाली है। और फिल्म के जो मेकर्स हैं, हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भाई लीगल नोटिस भेज दिया गया है। तो मुझे लगता नहीं, और ये भी मांग की गई कि वो इस फिल्म की जो शूटिंग है उस शूटिंग पर तुरंत प्रभाव से भाई रोक लगा दी जाए, इसकी शूटिंग न की जाए। तो दोस्तों ये तो बड़ा ही शॉकिंग खबर है, इस फिल्म से काफ़ी सारी आशा है, और ये बोला जा रहा है कि इसकी फिल्म की शूटिंग स्टॉप कर दी जाए। तो अक्षय कुमार के ऊपर तो भाई एक मुसीबत आती है और उसके बाद फिर दूसरी मुसीबत आती है, और जॉली LLB 3 से काफ़ी ज़्यादा आशा है कि अक्षय को भी और असरद को भी, लेकिन भाई जैसे ही यहाँ फिल्म का समूर्त हुआ है, शूटिंग शुरू हुई है, उसके बाद यार ये कांड हो गया कि अब जो है फिल्म के खिलाफ लॉयर्स उतर आए हैं, वो इसको लेकर बकवासबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर इसको बैन करने की बात कर रहे हैं। भाई इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे कि अक्षय कुमार का यहाँ पर भी टाइम खराब है, और तमाम जो अक्षय कुमार के साथ लगातार जो कंट्रोवर्सी है उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उनका जो फिल्मी करियर वो लगातार डूबता जा रहा है, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जॉली LLB लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं ये जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।